बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस रेंट कलेक्शन सॉफ्टवेयर किस तरह से एक्सेल शीट को हम बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर कुछ डाटा मैंने बनाया हुआ है इसी की हेडिंग्स, और यहाँ से मैं डाटा कॉपी कर लेता हूँ। जहाँ फॉर्मूले होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। कॉपी के बाद पेस्ट स्पेशल और कॉलम विथ पे जाएंगे। कॉलम विथ के साथ पेस्ट चाहिए, ये आ जाएगा हमारे पास। और इसके अंदर हमें जहां पर फॉर्मूले और डेटा ऐड करना है वो हम यहां पर टाइप करेंगे, ठीक है जी। अब यहां पर सबसे पहले कस्टमर, उनके अपार्टमेंट नंबर या हाउस नंबर, फिर उसका मंथली रेंट क्या है, फिर उसका पेमेंट स्टेटस, पेमेंट डेट, रेंट कलेक्टेड, आउट स्टैंडिंग अमाउंट, पेड अनपेड, ठीक है जी। अब यहां पर हमें पेमेंट स्टेटस चाहिए। डेटा में जाएंगे, ऑल डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स। अब इधर से ऑल दोनों सिलेक्ट, यानी जिसकी पेमेंट आ जाएगी इनको पेड अनपेड के नाम से हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसको और आगे तक फिल करना है अभी अनपेड, तो ये आप कर सकते हैं इस तरह से। अब पेमेंट डेट मिसाल के तौर पे इन्होंने पे कर दी भाई 1 जनवरी 2024। उसके बाद रेंट कलेक्टेड इक्वल इफ ठीक है जी, पेमेंट स्टेटस फर्स्ट सेल, ये बराबर है इन्वर्टेड कॉमा में हमने कहा पेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में ये अमाउंट लिखा हुआ आ जाए। अगर यहाँ पेड लिखा हुआ यानी रेंट कलेक्टेड हो गया है, और अगर नहीं होगा वैल्यू ऑफ फॉल्स, यानी यहाँ पेड की एक अनपेड है, तो फिर यहाँ रिटर्न में जीरो लिखा हुआ आ जाए। ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से। आउटस्टैंडिंग इफ अगेन अनपेड, इस दफा अनपेड टाइप करेंगे हम इन्वर्टेड कॉमा में, फिर इन्वर्टेड कॉमा, तो अगेन इस अमाउंट को यहाँ पर प्रिंट करें मंथली रेंट की जगह पर, नहीं तो जीरो ब्रैकेट किलोस, ठीक है जी। अनपेड है यानी अभी आउटस्टैंडिंग इनका बाकी है, ट्रैक कर लीजिए। तो ये काम तो हो गया थोड़ा बच्चों वाला, और इसमें टाइम कंज्यूम भी लगेगा, बार बार हमें लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर पैड सिलेक्ट करेंगे तो फिर रेंट कलेक्टेड और फिर आउटस्टैंडिंग जीरो। तो इसको और आसान कैसे कर सकते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस 365 इंस्टॉल करा हुआ है और इनसाइडर पे, तो इसमें चेक बॉक्सेस के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, ताकि ड्रॉप डाउन में हमें जाना नहीं पड़े, क्लिक करें फिर ड्रॉप डाउन में जाए फिर अनपेड पेड सिलेक्ट करें। तो इन सभी को क्लियर करें यहाँ से डेटा वैलिडेशन में, और मैं यहाँ से क्लियर ऑल कर रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। अब यहाँ पर इंसर्ट में आ जाए, इंसर्ट में ऑफिस इनसाइडर के अंदर चेक बॉक्सेस मिल जाते हैं आपको। जितनी रेंज सिलेक्ट होगी ऑटोमेटिक देखें सब पे चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। और इसमें हमें बेनिफिट क्या होगा, रेंट कलेक्टेड में जहाँ आपने D2 बराबर पेंट करा था, यहाँ पर हम इंटर कर देंगे ट्रू, ये खुद ही चेक बॉक्सेस ट्रू और फॉल्स कंडीशन उठाएंगे। अगर हम डेवलपर वाले ऑप्शन यूज करते हैं उसका भी मैं बताता हूँ, अगर आपको पता है तो सही है, नहीं पता जो न्यू है तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर उनको सेल लिंक करना पड़ेगा, और उसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा उसको आसान कैसे कर सकते हो। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं, अगर ये ट्रू होगा बराबर यानी पेड हो गया, चेक लग गया, तो यहाँ पे ये वाली अमाउंट यहाँ पर आ जाए। अब इंटर करके चेक कर लेते हैं, डबल क्लिक स्पेलिंग TRUE, ठीक है जी, एंटर। अब चेक लग गया, रेंट कलेक्टेड हो गया, आउटस्टैंडिंग जीरो। अब यहां पे भी इसमें भी यही करना है हमें, अनपेड की जगह TRUE, अच्छा यार ट्रू नहीं या फॉल्स लिखेंगे, ठीक है जी। ट्रू में तो फिर रेंट कलेक्टेड होगा, और अगर अनचेक हुआ फॉल्स तो फिर यहाँ आउटस्टैंडिंग में लिखा हुआ आएगा, एंटर, ड्रैग कर ले, ठीक है जी। अब जैसे इन्होंने पे कर दिया, इसको भी ड्रैग कर लेते, तो यहाँ पर रेंट कलेक्टेड और आउटस्टैंडिंग जीरो, अनचेक करा हमने तो आउटस्टैंडिंग में चला गया, यहाँ पर अभी पे नहीं है। जैसे पे हुआ सिर्फ आपने ये लिखना है इसके अंदर, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। अब अगर ऑफिस 365 आप यूज नहीं कर रहे, ओल्ड वर्जन और डेवलपर, आप राइट मेन्यू करें किसी पे भी कस्टमाइज, आई मीन
कस्टमाइज रिमेन में डेवलपर पे चेक लगा के ओके, और डेवलपर में इंसर्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर आप चेक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। इसका मसला ये होता है आप वन बाय वन क्लिक करेंगे मेरे टैक्स डिलीट, फिर आपको इसमें क्या करना होगा, वन बाय वन आपको लिंक करना पड़ेगा इसमें राइट के लिए फॉर्मेट कंट्रोल, और इसको चेक करेंगे इसके साथ। अब ये क्लिक होगा ट्रू वरना तो फॉल्स, फिर सेम इसके लिए भी आपको जाना है, इस पर क्लिक करेंगे सेकंड, तो इसमें ये प्रॉब्लम है, टाइम लगता है इसके अंदर। तो ऑफिस 365 इनसाइडर में उन्होंने डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स अप्लाई कर दिया, जहां तक आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे इसको मैं हटा देता हूं, तो वहां तक ऑटोमेटिक जो है वो सैंड फिल ट्रू और फॉल्स कंडीशन में आ जाता है। देखिए अभी यहाँ पे, तो अगर इस वाले ऑप्शन को आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हम बनाए और फिर उसकी ट्रू और फॉल्स सेल के अंदर प्रिंट हो जाए कंडीशन, तो ऑटोमेटिक चेक बॉक्सेस फिल किस तरह से होंगे, डेवलपर वाले, ठीक है। इनसाइडर तो मैंने बता दिया, तो आप यहाँ चेक बॉक्सेस टाइप करें सर्च में मेरे चैनल पर आकर, इससे रिलेटेड ऑटो फिल वाली सारी वीडियोज आ जाएंगी, चेक बॉक्सेस, थोड़ा सा वीबीए कोड आपको लिखना पड़ेगा, ये वाली वीडियोस देख ले, या फिर स्क्रॉल करेंगे तो इसमें और भी आ जाएंगी, ये वाली वीडियोस देख ले, तो ये आपको वन बाय वन सेल में जाकर मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्यूशन मैंने बता दिया, अब अगर आप ये वाले इंटरेस्टेड हो, तो अगर 2016-13-19 का वर्जन है, ऑफिस 365 नहीं है, तो आप इस तरह से भी चेकबॉक्स यूज कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें, अब हमें ऑटो कस्टमर अपडेट करने हैं, यानी ये तो ऑलरेडी कस्टमर हमारे साथ कनेक्टेड है, लेकिन अगर कोई न्यू कस्टमर ऐड होता है तो वो ड्रॉप डाउन में हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाए, तो इन कस्टमर्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेड अनपेड हटा देते हैं यहाँ से, जो तरीका था वो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ से इन कस्टमर्स को मैं फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। एक फॉर्मूला होता है डायनेमिक रेंज के लिए, यानी अगर मैं अभी इसको ड्रॉप डाउन में ऐड कर लूँ, तो मैं बाद में कोई कस्टमर अगर ऐड करूँगा, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा इसको, कलर कर लिया, अब मैं यहां से अगर ड्रॉप डाउन बनाऊंगा डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट सोर्स ओके एक्स्ट्रा सिलेक्शन बना लिया हमने, ठीक है जी, कुछ आ रहे हैं यहाँ पे, एक आध अगर मैं और ऐड करूंगा तो शायद इसमें आ जाए, ठीक है जी, ये भी 365 में है जो अपडेट हो रहा है, अगर आपके पास ओल्ड वर्जन होगा तो इस तरह से अपडेट नहीं होगा, इसके लिए डायनेमिक रेंज उठानी पड़ेगी हमें, डायनेमिक रेंज उठाने के लिए ऑटो कस्टमर ऐड हो जाए यहाँ पे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, लिस्ट क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है जी, अब लिस्ट क्लियर कर दिया, यहाँ से डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन लिस्ट ऑप्शन सोर्स, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे ऑफसेट और फर्स्ट इक्वल लगाइएगा, ठीक है, इक्वल के बाद ऑफसेट ब्रैकेट फर्स्ट ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट ओपन के बाद, और इसके साथ कॉमा, कॉलम इज जीरो, रो जीरो, और फिर यहां पर आ जाएगी हाइट, हाइट में हम लगाएंगे यहां पर काउंट ए, काउंट ए ब्रैकेट ओपन, और ऑल रेंज यहां से सिलेक्ट कर लेंगे एंटायर, और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा हाइट में ये हो गया और विद में वन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके ओके। अब यहाँ पे बेनिफिट ये होगा, जितनी करंट रिकॉर्ड होगी कोई एक्स्ट्रा ब्लैंक शो नहीं हो रहा, और अगर मैं कोई नया कस्टमर ऐड करता हूँ यहाँ पे, अपना नाम मैं ऐड कर लेता हूँ, करंट जितना डेटा है उसी हिसाब से ये स्पेसिफाई हो रही है लिस्ट, कोई एक्स्ट्रा ब्लैंक या सिलेक्शन वगैरह नहीं आ रही, कोई नया कस्टमर आ गया, आपने एंट्री करी, उसका अपार्टमेंट, उसका मंथली रेंट, और यहाँ पर जो डेट होगी वो डेट एंटर कर ले आप, चेक लगा दिया, रेंट कलेक्टेड हो गया, आउटस्टैंडिंग जीरो हो गया, जब ऐड कस्टमर करने होंगे तो यहाँ से लिस्ट शो कर ले, वरना तो हाइट कर दे, ये भी आपकी शो नहीं होगी, बैक हैंड डेटा हो गया। बस अब आपको एंट्रीज करनी है यहाँ पे, फॉर्मेट अपने हिसाब से आप सेंटर वगैरह बोल्ड वगैरह स्टाइल वगैरह रख लें जो अच्छा लग रहा है उस हिसाब से, फॉन्ट्स वगैरह सिलेक्ट करें अपने,
और एक चीज और बता दूं, डायरेक्ट इधर टाइप नहीं करेंगे डेटा, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट से ये एक्सेप्टेड करेगा। तो इसके लिए अगर कोई नया कस्टमर चाहिए आपको, तो आपको वापस यहीं पे आके अनहाइड करना होगा। यहाँ पर आपको कस्टमर ऐड करना है। जब इधर ऐड होगा तो फिर आप नई एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे डेनी, और यहाँ पे आ गया D6, यहाँ पे आ गया इनका रेंट कलेक्शन 25, और यहाँ आउटस्टैंडिंग आ रहा है, अभी पे नहीं करा इन्होंने। तो इस तरह से आप डेटा क्लियर करते जाए, जिन्होंने पे नहीं किया उनका रिकॉर्ड आता रहेगा यहाँ पे। अब जैसे इनकी डेट आ गई अगले महीने की चेंज हो गई, अब इनका अपार्टमेंट क्या है D5, तो यहाँ से हमने D5 कर दिया। इनकी पेमेंट क्या है 2000, अब आउटस्टैंडिंग आ गई। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल आउटस्टैंडिंग में अभी कितने रिकॉर्ड्स हैं। इसको मैं यहां से हाइट कर रहा हूं। पेड कस्टमर या आउटस्टैंडिंग कस्टमर कौन कौन से हैं, तो इसको आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं, ऑल डेटा सेलेक्ट करें, यहां से इसको फॉर्मेट एज टेबल कर लें। ठीक है जी, कोई सा भी स्टाइल यहां से सिलेक्ट करके ओके किया आपने। ओके करने के बाद इसका मेन्यू टेबल डिजाइन इंसर्ट स्लाइसर, यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग रेंट कलेक्टेड भी चाह रहे हैं ऑन करना, वो भी कर सकते हैं। कोई डेटा एंट्री करनी होगी, टेनेंट नेम, वो भी ऑन कर सकते हैं, ओके कर दें। अब इसका बेनिफिट्स होगा, जब आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, इसको यहाँ पे आपने सेट किया, इसके भी कलर वगैरह आप अपने हिसाब से थीम वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब जो भी कस्टमर आपके पास आया, आपने आउटस्टैंडिंग देखना है, तो आपने यहाँ पे आके आउटस्टैंडिंग वाले सारे सेलेक्ट कर लिए शिफ्ट दबा के, तो सारे आउटस्टैंडिंग वाले आ गए यार। अब अगर उन्होंने ऐसे कोई पे करने आ गया, तो आप वहां पर चेक लगा सकते हैं, डायरेक्ट पे हो गया या आउटस्टैंडिंग में चढ़ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ये भी एक तरीका है। अब कोई अगर आपके पास नेम से आ गया, आपने नेम इंटर करा, उसने कहा मुझे पे करना है, आपने क्लिक करा, तो आउटस्टैंडिंग से डायरेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से देखें ऑटोमेटिक चेक भी लग जाएंगे और आउटस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगा। तो ये स्लाइसर भी हेल्प अपनी आप ले सकते हैं। टेबल फॉर्मेट वगैरह अपने हिसाब से आप देखें, यहाँ पे जो अच्छा लगे आपको वो आप अप्लाई करें इसको, और इसके रेंज को इंक्रीज कर लें। ये तो ऑटोमेटिक ही, जब आप कंटिन्यू करते रहेंगे डेटा एंट्री, टैब प्रेस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ऐड होता रहेगा, सेल इसके फिल होते रहेंगे। जितना लार्ज डेटा होगा वो आप कंप्लीट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, कोई बात नहीं, लाइक का ऑप्शन मौजूद है, लाइक करें और शेयर भी करते हैं। फर्स्ट जो देख रहे हैं इस तरह की और वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और जो सीखना चाहते हैं इंटरेस्टेड उनके साथ भी उसको लाजमी शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।